हेलो दगड़ियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग पहलाग अटक झटक पहाड़ से यूट्यूब चैनल में मैं ब्यूरो बिरथवाल एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो दगड़ियों, गांव घरों में ना 3-4 दिन से मतलब लगातार कंटिन्यू बारिश थी, तो आज मस्त धूप आ रखी है, तो कई बढ़िया सा हो रहा है, बढ़िया गर्म भी हो रहा है। गर्म तो क्या हो रहा है, मतलब जैसे जनवरी में नहीं होता, जैसे धूप सेकते हैं जनवरी में, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है अभी। क्या है, अप्रैल मई मई के टाइम में ऐसी वाली फीलिंग आ रही है, कई तगड़ी वाली, मतलब जैसे जनवरी का मौसम है ऐसा फीलिंग आ रहा है। तो दगड़ियों, आज की ब्लॉगिंग मैं कर रहा हूँ दिन के 12 बजे से स्टार्ट कर रहा हूँ, और खेतों में काफ़ी धान वगैरह भी हो गया है, लोग बाल गोड़ने लगे हैं, अपनी डोंट गई हुई थी तो अभी घर आ गई है। तो मैं सुबह मॉर्निंग वॉक बोले तो रनिंग के लिए गया था, क्योंकि पुलिस की भर्ती भी है ना, तो मैं दौड़ने के लिए गया हुआ था, तो मैं घर आते टर्न लैंड हो गया, बोले तो मैं सो गया। तो अभी उठा हूँ मैं, हाथ मुँह धो के धूप सेक रहा हूँ, बढ़िया सा मस्त फीलिंग वाली आ रही है। और आज का मौसम देख सकते हैं ब्लॉग पे, काफ़ी तगड़ा तगड़ा सा सीन हो रखा है। तो अब करते हैं दिन का भोजन ग्रहण, देखते हैं क्या बना रखा है। तो खाना खाते हैं, दिखाता हूँ आपको क्या बना रखा है, अगर बढ़िया बढ़िया बना होगा तो तभी दिखाऊंगा, नहीं गंदा गंदा बना होगा तो चुपचाप खा जाऊंगा, ठीक है। तो जुड़े रहें ब्लॉग के साथ और देखते रहिए अटक झटक पहाड़ से यूट्यूब चैनल। तो दगड़ियों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आज का मौसम कितना हसीन और रंगीन है, आप वीडियो में देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं कितना मस्त मौसम हो रखा आज। तो मेरी माता श्री यहाँ पे बुद्ध धान में लगी हुई है, और मुझे महकारी है क्योंकि मैं सोया हुआ था ना, तो बोल रही है अभी तक क्या सो रखा है, लोग भी क्या बोलेंगे करके, या इजा लोग ना पा टाइम का हो यार दी के कोने लिया ख्याल। तो है तेरे पास वो टाइम, अच्छा तेरे पानी भी है हुआ काटे हा को ही तो को तुम को पे, अच्छा बोला कर ते दी काट दी रे ना हार से है के को दिले मुआ तो का जगह दो को हो काटो सी बे क्यों यो खाने ले खाली उन्होंने चॉकलेट ले खाई ले चॉकलेट खाई ले तो मम्मी माइक को बोली है बुढ़ू कीड़े क्या जमाना आ गया। तो मम्मी मम्मी को पता नहीं होगा ये क्या चीज है, तो ये है माइक, तो माइक ही कहते हैं इसको। और यहाँ पे हो रखे हैं मस्त मस्त फूल, उतनी जल्दी उग भी गए, ये देखो ये एक यहाँ पे उगा है, ये भी कई अच्छा सा हो रखा है, और इसमें भी उगा नहीं है, इसमें भी नहीं उगा है, हाँ एक इसमें उग रखा है, ये एक ही वाला उग रखा है, एक ही उग रखा है, उसमें मक्खी बैठी हुई है, तो बिट्टे कलरफुल वाली मक्खी, वाह। अगर ऐसी मक्खी आपने देखी हो तो कमेंट कर सकते हैं, वो भी फूल में। और आज का मौसम ये है, और पेड़ में लगे हुए हैं आड़ू, अगर खाना चाहते हैं तो आ सकते हैं, दिख रहे हैं आड़ू मुझे तो साफ दिख रहे हैं। आज बना है पयोहाग, मतलब पहाड़ी में बोलते हैं इसको झूली भात, तो माता श्री पसक रही है झूली भात, और अपनी शैतान सिंह यहाँ पे इंतजार कर रही है कि कब मुझे खाना मिलेगा, हा हा कर रहे हो ना अरे ये क्या बदतमीजी है तो खाने का इंतजार करती हुई डोंट, देखो नजरे भी अभी भात नहीं है ये कब मिलेगा खाना करके बिल्कुल इंतजार करती हुई शैतान सिंह। और माता श्री जल्दी पसको, मुझे भी भूख लगी है और मैं भी इंतजार ही कर रहा हूँ, तो जल्दी खिलाओ मुझे खाना। तो आज बनी है झोली भात, तो झोली भात खाते हैं फिर आगे का प्रोग्राम देखते हैं क्या होता है। तो मैं अभी आ गया हूँ आड़ू के पेड़ में, और लजीज लजीज आड़ू तोड़ूंगा या और खाएंगे जम के, और काफी आड़ू लगे हैं हमारे पेड़ में, अगर आप खाना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन खा लेना ठीक है। तो अगर ज्यादा पसंद आ रहे हो तो मैं उनको कर दूंगा, क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप कर दूंगा या फिर मेल कर दूंगा आड़ू, ठीक है। तो जुड़े रहे ब्लॉग के साथ और देखते रहे अटक झटक पहाड़ से यूट्यूब चैनल। तो ये है लजीज लजीज आड़ू, और काफी रस भरा है इसमें और काफी टेस्टी हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हड्डी बिल्कुल है ही नहीं इसमें, ये देखो ये काफी टेस्टी हो रहा है। बहुत मस्त हो रहे हैं यार ये आड़ू। तो अचानक से मौसम के जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, और हमारा गांव फिर से चेरापूंजी बन चुका है, और फिक्स समय पे बारिश स्टार्ट, और नीचे को देख सकते हैं मौसम काफी साफ है, और
यहाँ देखो बारिश की बूंदें दिख रही है तो कमेंट करें, अगर नहीं दिख रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अभी भी काफी बारिश हो रही है, और झरने की तरफ दिखाता हूँ, झरने की तरफ भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, वहां से काफी तगड़ी वाली बारिश हो रही है। और यहाँ पे मौसम साफ है इधर साइड को, काला मुनि से हल्का नीचे, और थोड़ा जस्ट हम गिरगांव की तरफ आते हैं ना तो पूरा मतलब बारिश से लबालब हो रहा है, छीटे मीटे दिख रहे हैं आपको, आ रहे ना ये बूंदे, हाँ आ रही आ रही। तो ऐसा हो जाता है यार मौसम आजकल ना, तो पहाड़ों में रहना इतना आसान भी नहीं है, थोड़े से दिन में ही मतलब थोड़े से समय में हालात बदल जाते हैं। और मेरी माता श्री इसी बरसाती मौसम में मजे ले रही है, और लिपाणी है कि वह मेथी, तो माता श्री मेथी लिपाणी है, पहाड़ी मेथी जिसको आप बोल सकते हैं, जहा जिले पहाड़ी मेथी को। अरे यार ये तो बाजार को तो ये है पहाड़ी मेथी। और अपनी शैतान सिंह आ गई है गोड़ के तो ये बंदी गई थी ऊपर, तो बारिश लगते ही भाग के घर आ गई है, बारिश बारिश का इंतजार था मैडम को ने शरमाई लियो। तो दगड़ियो जैसा कि आप देख सकते हैं हो गई है शाम, जैसे मैं यहाँ पर अपने अड्डे में बैठता हूँ ना तो समझ जाना आप रात हो गई होगी, मतलब वीडियो के लास्ट लास्ट में, ठीक है। तो दगड़ियो आज के ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग था, मजा भी आया, थोड़ा आज का दिन की काफी रंगीन वगैरह था, और उसके बाद बारिश की तड़तड़ाहट, और जानते ही है ना अब चेरापूंजी बन चुका है हमारा गांव, क्योंकि पहाड़ नजदीक है ना हमारे यहीं पे, ऊपर पे पहाड़ है तो नीचे से मतलब वो आते ना बादल वगैरह आते तो पहाड़ों में टकरा के सीधे सबसे पहले वर्षा यही हो जाती है, और नीचे को बारिश नहीं होती, यहीं पर से फुली डोर से नीचे को बारिश बहुत कम होती है, और ऊपर को काफी धड़माकेदार वाली बारिश होती है, और पहाड़ों में भी बर्फ पड़ी है, मतलब मैं वहां रनिंग के लिए गया हुआ था ना बला की तरफ, तो ऊपर देखा पहाड़ों में बिल्कुल टन वाली बर्फ आई हुई थी, मैं फोन नहीं ले गया था तो मैं वीडियो बना के जरूर दिखाता आपको। तो देखियो एक हमारे सब्सक्राइबर्स है पहाड़ी ब्लॉगर्स खीम जोशी करके, तो उन्होंने कमेंट किया हुआ था कि आप मतलब वीडियो कैसे बनाते हो क्या बनाते हो करके, तो मैंने उनको भी बताया था कि मतलब ये काइंड मास्टर यूज करता हूँ, और एक नेपाली बैकग्राउंड जो होता है ना रिंगटोन जो मैं आप डालता हूँ इसमें, तो वो भी मैं डालता हूँ, मैंने सारा कुछ बता दिया था, तो बोले थे एक बार चैनल में हमारा नाम जरूर लेना। तो दगड़ियो खीम जोशी नहीं पहाड़ी ब्लॉगर खीम जोशी करके एक चैनल है, तो वो भी काफी बढ़िया वीडियो बनाते हैं, काफी बैकवर्ड एरिया से है चंपावत के, मतलब काफी मतलब पीछे गांव से है, मतलब बहुत मेहनत से बना रहे हैं वो भी वीडियो, मतलब नए नए वीडियो है हमारे सब्सक्राइबर है। तो दगड़ियो एक बार चैनल में उनके भी जरूर जाना। तो दगड़ियो आज के ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो आज के लिए क्या कहूँ इतना ही है बस, और फिर से मिलते हैं नए ब्लॉग में। तो दगड़ियो तब तक के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।